दोस्तों योगी जॉगिंग के 12 अभ्यासों में फर्स्ट अभ्यास को करने में आपको हल्की सी स्लोली ऐसे स्लोली स्लोली रनिंग करनी है। ऐसे हल्के हल्के से रनिंग करें और फिर दूसरे अभ्यास को करने के लिए आपने अपने दोनों बाजुओं को ऐसे कान के पास सटाते हुए ऐसे रनिंग करनी है। ऐसे अपने दोनों हाथों को पूरा जितना ऊपर उठा सकते हैं। और फिर तीसरे अभ्यास को करने के लिए आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कमर के पास रख लेते हैं और फिर ऐसे अपने घुटने को ऐसे अपनी छाती पर लगाते हैं। लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ आप इन योगिक जॉगिंग के अभ्यासों को प्रैक्टिस करें। और फिर चौथे अभ्यास के लिए आपने अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे आधे फीट का स्पेस रख लेते हैं और फिर इसके बाद आपने ऐसे सीधे देखते हैं, 5 सेकंड रुके, फिर सीधे। ऐसे ही कम से कम 8 से 10 बार करें। इस अभ्यास को करने से हमारे घुटने काफी मजबूत बनते हैं। और फिर इसके बाद इसके पांचवें अभ्यास को करने के लिए आपने अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे कम से कम 2 से 2.5 फीट का स्पेस रख लेते हैं। दोनों हाथों को कंधों के समानांतर सीधे कर लेना है और ऐसे अपने राइट पैर पर आपने बैठना है और दूसरा पैर बिल्कुल सीधा रहे। फिर सेंटर में आइए, फिर दूसरी साइड से। ऐसे ही दोनों साइड से इसे कम से कम 10 से 15 बार कीजिए। फिर इसके बाद आपने नेक्स्ट अभ्यास के लिए अपने राइट पैर को 90 डिग्री के एंगल में और दूसरे पैर को ऐसे क्रॉस कर लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने घुटने को ऐसे मोड़ते हैं और अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करें, फिर सीधे, फिर दूसरी साइड से। श्वास अंदर भरते हुए पीछे की तरफ जितना स्ट्रेच कर सकते हैं और फिर सेंटर में आते हैं। और फिर इसके नेक्स्ट अभ्यास को करने के लिए आपने अपने दोनों हाथों को कंधों के समानांतर ऐसे प्रणाम मुद्रा बना लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों हाथों को पीछे की तरफ ले जाइए, श्वास छोड़ते हुए आगे। अपने सिर को ऐसे अपने दोनों बाजुओं के बीच में रखते हैं। ऐसे ही 8 से 10 बार करें। इस अभ्यास को करने से हमारे सीने की मांसपेशियां काफी मजबूत बनती है। लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ श्वास अंदर भरते हुए पीछे और श्वास छोड़ते हुए आगे। और फिर नेक्स्ट अभ्यास करेंगे त्रिकोणासना। ऐसे ही सीधे खड़े हो जाते हैं और अपने राइट हाथ को ऐसे अपने राइट थाई के पास रख लेते हैं और अपने बाजू को कांध के पास सटाते हुए ऐसे धीरे धीरे ऐसे अपने शरीर को ऐसे राइट साइड जितना आप मोड़ सकते हैं और सीधे देखते हैं, फिर सेंटर में आते हैं, फिर दूसरी साइड से। ऐसे ही 8 से 10 बार करें। फिर नेक्स्ट कोणासना। अपने दोनों हाथों को कंधों के पार्श्व भागों में सीधे फैला लेते हैं, राइट हथेली को लेफ्ट पंजे के पास रखते हैं और अपनी हथेली को देखते हैं, फिर सेंटर में आते हैं, फिर दूसरी साइड से। फिर तीव्रता से फिर ऐसे अपने दोनों पैरों को सीधा कर लेना है। इसके बाद करेंगे पाद हस्तासना। श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर को उठाते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपने सिर को ऐसे घुटनों के पास लाने की कोशिश करें, अपने दोनों हाथों को ऐसे पंजों के पास रख लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए आगे।
ऐसे ही 8 से 10 बार अप डाउन कीजिए। फिर सीधे, और फिर इसके नेक्स्ट अभ्यास को करने, इसका नेक्स्ट अभ्यास करेंगे जंपिंग जैक। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4 अब तीव्रता से। फिर सीधे, इसके बाद इसके नेक्स्ट अभ्यास को करने के लिए आपने अपने दोनों हाथों को कंधों के समानांतर सीधे और फिर सीधे। फिर योगी जॉगिंग के 12वें अभ्यास को करने के लिए आपने अपने दोनों हाथों को कंधों के समानांतर सीधे, आपके पंजे एक तरफ जाएंगे और आपके हिप्स और दोनों हथेलियां एक साइड होती है। इस अभ्यास को करते समय हमारा पूरा शरीर ट्विस्ट हो जाता है। यह अभ्यास को कर देते हमारे कमर, हमारे पेट, हमारे शरीर की हर एक मांसपेशी पर लाभकारी प्रभाव पड़ता है। इसे संपूर्ण व्यायाम भी कहा जाता है। ऐसे अपने दोनों हाथों को सीधे रख लें और फिर ऐसे सीधे।